हाँ जी, तो क्या हम शुरू करें क्लास? सर। चलो बहुत बढ़िया। ऐसा देखो, सबसे पहले हम लोगों ने ना बिजनेस स्टडी की थी। बिजनेस स्टडी वाले दिन हमने तुम्हें क्या बताया था, एक्चुअली पहला चैप्टर है तुम्हारा वैसे तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर जो इसके बाद सेकंड चैप्टर आता है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड चैप्टर जो हमारा है बिजनेस एनवायरनमेंट, और फोर्थ था हमारा प्लानिंग चैप्टर। मैंने स्टार्टिंग की थी प्लानिंग से, हमने स्टार्टिंग की थी प्लानिंग से क्योंकि बिना प्लानिंग के मैं तुम्हें एक जो चीज नहीं दे पाता वो था ऑब्जेक्टिव। हमने जो भी मेहनत की थी सिर्फ इस चीज के लिए कि हम क्या दे सके तुम्हें ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव मिला, तो हमारा चैप्टर तब ये ढंग से स्टार्ट हो पाएगा, कौन सा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस ऑब्जेक्टिव को लेने के बाद हम आते हैं कि हमने चैप्टर में पढ़ा क्या था। हमारा चैप्टर था क्या, प्लानिंग। मैं तुम लोगों को थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से रिविजन कराना चाहूंगा, और उसके लिए मैं आ रहा हूं। ये हमने पढ़ा था उस दिन प्लानिंग चैप्टर। अब जिसके नोट्स तुम लोगों को मैंने पीडीएफ शेयर तुम लोगों के साथ किया था मैंने। हाँ जी, तो इस प्लानिंग चैप्टर में जैसा कि तुम देख पा रहे हो, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको समझ पाएंगे। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग जहां हम हैं और जहां हम जाना चाहते हैं इसके बीच के गैप को ब्रिज करता है। ठीक, क्या करता है ये बताता है कि करना क्या है और कैसे करना है। हमने कहा था वेयर वी आर, मतलब जहां हम हैं, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज है, मींस है, जहां हम आना चाहते हैं वो हमारा एंड है, मतलब ऑब्जेक्टिव है। यानी कि अपने मींस को प्रॉपर यूज करके अपने एंड तक पहुंचना, मतलब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की यहां पर बात हो रही है। तो प्लानिंग कहता क्या है, प्लानिंग कहता है कि एक थिंकिंग है, एक थिंकिंग प्रोसेस है, काम नहीं करना है, सोचना है। क्या है, एक थिंकिंग प्रोसेस है, और ये एक क्या करती है, जब हम सोचते हैं तो एक गाइडलाइन निकल के आती है, और वो गाइडलाइन हमें देती क्या है, डायरेक्शन। यहां डायरेक्शन का मतलब क्या है, यहां पर डायरेक्शन का मतलब है एक मिनट हाँ, यहां पर डायरेक्शन का मतलब है क्या, ऑब्जेक्टिव, कि वो जो ऑब्जेक्टिव दिए गए थे ये डायरेक्शन है हमारा। अभी तुम सब लोगों को मैंने पहली क्लास में कहा था कि तुम सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है, 100 मार्क्स। अरे जब तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की और उसके अंदर भी सोचने में प्रॉब्लम हो रही है, यहां मैनेजमेंट ने कहा था प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो प्लानिंग, अब मैं पूछ रहा हूं सिंपल, एक छोटी सी लाइन आ रही है, व्हाट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग में बोलना क्या है, प्लानिंग क्या करती है, ब्रिज करती है गैप को, ब्रिजिंग द गैप कहां से, प्रेजेंट और फ्यूचर में, या फिर कह लो वेयर वी आर और वेयर वी वांट टू बी, जहां हम जाना चाहते हैं उसके बीच का गैप को फिल करती है। और इससे होता क्या है, ये क्या एक तरह की थिंकिंग है, इसके लिए हम करते क्या है, जब सोच रहे होते हैं तो हमारे पास सोचने के लिए क्या है कि हमारे पास कौन कौन से मीन्सेज है, रिसोर्सेज है, और हमें एंड ऑब्जेक्टिव कहां पहुंचना है, उसके लिए सोचते हैं कि क्या करें और कैसे करें। तो जब हम सोचते हैं तो उससे क्या निकल के आती है, गाइडलाइन निकल के आती है जो हमें डायरेक्शन देती है, हाँ भाई ये करना है और ऐसे करना है, इससे प्लानिंग एंड इससे आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि हमारी पहली क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरी क्लास का, कि तुम्हें ऑब्जेक्टिव देना। तो मैं बोल रहा हूं व्हाट इज प्लानिंग, एक सिंपल सी एक नंबर पे आ रही है, व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या होती है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक गैप को, पहली बात तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक गैप है जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में होता है, उस गैप को फिल करता है, ब्रिज बनाता है उसके बीच में, और एक थिंकिंग प्रोसेस है जो डिसाइड करती है कि क्या करना है और कैसे करना है, जिसके बेस पे एक गाइडलाइन निकल के आती है, और वो गाइडलाइन हमें क्या देती है, डायरेक्शन। ये आएगा प्लानिंग की किसमें, डेफिनेशन में, प्लानिंग की डेफिनेशन। फिर मैं आगे आता हूं, हमने एक बात की थी इसी के अंदर कि अगर प्लानिंग नहीं होगी तो क्या होगा, अभी प्लानिंग नहीं होगी तो क्या होएगा, मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस, हम क्या पढ़कर आए थे, कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ जी, तो टू कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके, दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला तो मिसडायरेक्टेड बिहेवियर होएगा, मतलब कि तुम्हें पता ही नहीं है जाना कहाँ है, इसलिए क्या होएगा, मिसडायरेक्टेड बिहेवियर।
और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाओगे। हाँ जी, तो हमने पहली क्लास पे पहले तो पढ़ा था व्हाट इज प्लानिंग, एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट था हमारा प्लानिंग प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा आता है। तो व्हाट इज प्लानिंग प्रोसेस, तो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हमने कहा था कि इसको एक तरफ फाइव एक तरफ टू, हमेशा हम ध्यान देंगे याद करने का बेस्ट तरीका होता है रेशियोस के साथ, यानी नंबर्स के साथ। तो यहाँ पहले में आएंगे पांच पॉइंट और फिर आएंगे दो पॉइंट। ये पहले पांच पॉइंट क्या थे? हाँ जी, ये पहले पांच पॉइंट क्या थे? तो सबसे पहला पॉइंट था तुम्हारा क्या, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जो हमने तुम्हारा सेट किया। और सेटिंग ऑब्जेक्टिव बताते टाइम तुम्हें अगर याद हो तो मैंने तुम्हें कहा था इसके अंदर पहला न्यूमेरिक होना चाहिए, दूसरा स्पेसिफिक। हाँ भाई, दूसरा क्या होना चाहिए? हाँ जी तनिष, आवाज आ रही है? यस सर, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ भाई बेटा जी आयुषी, तीसरा क्या होना चाहिए? स्टैटिक। स्टैटिक स्टैटिक होना चाहिए। और लास्ट क्या था मांडवी, तुम क्या बोल सकती हो? ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। ये चार पॉइंट थे हमारे किस चीज के, सेटिंग ऑब्जेक्टिव के। सेटिंग ऑब्जेक्टिव के दूसरा क्या था हमारा, डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस, ये प्रेमिसेस क्या थे हमारे लिए? ये बेस मटेरियल था। क्या था ये? बेस मटेरियल। अच्छा, इस बेस मटेरियल के लिए कहा क्या कहा गया था? इस बेस मटेरियल के लिए ये कहा गया था, ये क्या होते हैं एक तरह के एजम्पशन, क्या होते हैं एक तरह के एजम्पशंस। और इन एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए, अब ये एजम्पशन तुम्हें याद होगा मैंने तीन पॉइंट लिखे थे, ये मेरे पास्ट ईयर के प्लान्स हो सकते हैं, ये कोई भी किसी भी तरह का मेरा सर्वे हो सकता है मार्केट का, सर्वे किसका, मार्केट का, या फिर सर्वे किसका, कॉम्पिटिटर का सर्वे, जो कि मुझे इस बात का ट्रस्ट दिलाता है कि हाँ मैं अपने गोल अचीव कर सकता हूं। क्या तुम सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, हाँ जी, तो ये हमारा पॉइंट क्या था, ये सेकंड पॉइंट था, इसे बोलते थे डेवलपिंग प्रीमिसेस। थर्ड वन, अब क्या है थर्ड वन तनिष? थर्ड वन क्या था सर? मैं लास्ट क्लास में था नहीं। ओके, ठीक है। हाँ भाई आयुषी, क्या था थर्ड? आइडेंटिफाइंग alternative. अच्छा, alternative का मतलब क्या है? अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जितने ज्यादा ऑप्शन हम देख सके उतना अच्छा। तो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव में कुछ आता नहीं है, बस ये क्या बोलते हैं इसके अंदर, ए बी सी ऑप्शन को ढूंढना है। ढूंढने के बाद नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इवेल्युएट करना है ऑल्टरनेट्स को। तो इवेल्युएट जब हम करने की बात करते हैं तो इवेल्युएशन के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है क्या, प्रो एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट देखना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसके अंदर, इसे क्या बोलते हैं, इवेल्युएट करना। अच्छा, इसी के अंदर जब हम बात करते हैं इवेल्युएट क्यों करना है, क्योंकि हर अलग अलग ऑल्टरनेटिव के क्या है, हर ऑल्टरनेटिव के प्लस और माइनस है, उनका कंपेयर करना बहुत जरूरी है। तो इवेल्युएशन हमें कराता है क्या, कंपेरिजन करवाता है। और फिर फिफ्थ पॉइंट जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन, बेस्ट ऑल्टरनेटिव है ना, सेलेक्ट करना है बेस्ट ऑल्टरनेटिव को। और ये किसके बेसिस पे होएगा, इवेल्युएशन के बेसिस पे बेस्ट सिलेक्शन होएगा। अच्छा आयुषी, ये बताओ कि जब हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन करते हैं, तो ये फिफ्थ प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए क्या कहा जाता है, ये इस प्रोसेस के लिए क्या कहा जाता है? मुश्किल है सबसे। क्या एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए, एनवायरमेंट स्कैनिंग के लिए फिफ्थ प्रोसेस के बाद, उसके बाद होगी एनवायरमेंटल स्कैनिंग, उसके बाद होगी। हम कह रहे हैं कि सबसे मुश्किल डिसीजन, ये सबसे मुश्किल टास्क है। तो क्या बोलते हैं इसको, ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट माना जाता है। क्या माना जाता है? ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट है सबसे। अरे मेरी बात सुनो, इसको ऐसे समझाता हूँ मैं बेस्ट तरीके से। तुम लोग ट्वेल्थ में आए, तुम चाहते हो अच्छा परफॉर्म करना, तुम चाहते हो एसएससी तक जाना, तुम्हारे पास ऑप्शन में मार्केट में तीन चार टीचर, पांच टीचर्स हैं, इन पांचों में से बेस्ट कौन है, ये डिसीजन लेना आसान काम नहीं है। मैं किसके पास पढ़ूं कि मैं एसआरसी तक का टारगेट पूरा कर सकता हूं या कर सकती हूं, ये इजी टास्क नहीं है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, सबसे टफ माना क्या जाता है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है, ये टफेस्ट माना जाता है। इसके बाद वो कहां चला जाता है मालिक, एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए चला जाता है इसके बाद। And what is environmental scanning? Opportunities and threats. Opportunities and threats को ढूँढना। अबे, एक बार हम सभी बदतमीज एक साथ मिलके बात करेंगे
देखो हमारी जो लाइव क्लास होती है उसके अंदर एक चीज अच्छी होती है कि सब लोग जब हम लाइव का मतलब फेस टू फेस होती है हम सब लोग बोल पाते हैं। हाँ जी सामने तुम्हारे लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं कि प्लानिंग प्रोसेस के अंदर कितने पॉइंट है ओवरऑल 7, पहले 5 सब मिलकर बोलेंगे। पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा डेवलपिंग प्रीमिसेस, थर्ड वन प्रीमिसेस आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाई करना, फोर्थ वन इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, सिलेक्टिंग बेस्ट ऑब्जेक्टिव। और ये क्या है, डिसीजन मेकिंग पॉइंट है। और इसके बाद डिसीजन मेकिंग कहां चला जाता है, बदतमीज एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अब भाई मैं सभी से बोलना चाहूंगा, मांडवी तुमसे भी, तनिष्क से भी, प्रथम पता नहीं है या नहीं, समझ नहीं आ रहा। अबे बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो। एक एक गाना था जो पहले कभी आया था कि हाँ भाई कौन सा गाना, वो भेजी थी दुआ जो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के यहां। तो ऐसा है कि एक बार जब मैं बोल रहा हूं अगर तुम भी पीछे बोलोगे तो वो दुआ ऊपर जाएगी, टकरा के वापस आएगी, तो 2-3 बार सुनने को मिलेगा। कॉन्फिडेंटली बोलना है। और ये क्या नाम है हीरो, ये बालों को बार बार क्या सेट करने में लगे पड़े हो? सर मैं तो पढ़ लिया अब मेरा तो इनको हाँ जी, तो हमने क्या बोला, ये 5 प्रोसेस थी। इसके बाद कहाँ चले जाता है, ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अच्छा ये 5ों की 5ों प्रोसेस करता कौन है, ये करता है टॉप लेवल करता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट सारी प्रोसेस करता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी दो प्रोसेस बचती हैं, ये कौन करता है, मिडिल लेवल और मिडिल एंड लोअर लेवल। करते क्या है, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड क्या करते हैं, फॉलो अप। अच्छा यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि जो भी एक्शन है, ध्यान सुनना, जो भी इम्प्लीमेंटेशन क्या बोलता है, एक्शन पे आना, क्या करना है, सिर्फ एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन चाहिए। और फॉलो अप क्या कहता है, फॉलो अप कहता है कि चेक करो कि एक्शन एज पर शेड्यूल हो रहा है या नहीं, एक्शन एज पर शेड्यूल हो रहा है या नहीं। तुम सभी मेरी एक बात सुन लो, देखो वो बच्चे बेवकूफ होते हैं जो सब कुछ याद करने में लगे रहते हैं, जो हम बोल रहे हैं यही वो पॉइंट है, सिर्फ यही हमें आंसर के अंदर करने हैं, अननेसेसरीली हमें प्रेशर नहीं बनाना है, क्लियर है ना। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर 4 पॉइंट कवर करने हैं, न्यूमेरिक होना चाहिए, हाँ भाई कैसा न्यूमेरिक होना चाहिए, दूसरा स्पेसिफिक, स्टैटिक और ब्लैक एंड व्हाइट हो सके तो। मैं सभी से बोलना चाहूंगा ये तुम पार्टिसिपेट करो, बोलो, नहीं बोलोगे तो तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। याद करने का बेस्ट तरीका, जब तक तुम एफ पढ़ रहे हो तब तक बोलना है, उसके बाद ना घर में किताब उठानी है, कुछ नहीं करना है, लेकिन बोलना तो है। हाँ जी, तो डेवलपिंग प्रीमिसेस में मेन क्या बताना है, बेस मटेरियल, ये होता क्या है, एजम्पशन। इसके अंदर 3 पॉइंट लेने हैं, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, ये एजम्पशन, ये कोई मार्केट का सर्वे हो सकता है या कॉम्पिटिटर का सर्वे हो सकता है, कॉम्पिटिटर का। सबको देखने के बाद मुझे क्या लगा, मुझे मालूम चला कि नहीं यार मेरा तरीका यूनिक है, इसलिए मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाऊंगा। तो जैसे ही मेरा एजम्पशन क्रिएट होता है, वैसे ही क्या शुरू होता है, मैं ढूंढना शुरू कर देता हूँ क्या ऑल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफाई करता हूँ ऑल्टरनेटिव। इसमें सिर्फ ये बताना है, ऑप्शन जितने ज्यादा हो उतने अच्छा। अभी 12th में आने से पहले तुम जितने ज्यादा डेमो ले सको ना उतना अच्छा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 10 टीचर के पास जाओ, सबसे बढ़कर आओ बिजनेस स्टडी, सबसे बढ़कर आओ इकोनॉमिक्स, क्यों, सबका डेमो लोगे तब तो मालूम चलेगा तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। अब मालूम चल रहा तुम एक ही जगह बैठ गए, वहीं पर तुम्हें लग रहा है कि यही बेस्ट है, अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ तभी तो रिजल्ट आते नहीं है। मैनेजमेंट बोल रहा है इस बारे में कि भाई पहले जाओ, पहले चेक करो, चेक ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होएगा। तो मैं कह रहा हूँ मुझसे तो पढ़ो, कोई बात नहीं, जितनी भी क्लास ट्राइसिटी में हो रही है, जहां भी तुम सुनते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टीचर है, सबके पास जाओ, कंपेयर करने के बाद आओ। कंपेयर करने का मतलब क्या, नेक्स्ट पॉइंट आइडेंटिफाई के बाद और इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट में तुम्हें प्रो एंड कॉन्स देखने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, कंपेरिजन करना है, बस 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 यही तीन चीजें लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन क्या एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है, जो किसके बेसिस पर होता है, इवेल्युएशन के बेसिस पे होता है, कंपटीशन के बेसिस पे होता है। इसके बाद कहाँ चला जाता है, बदतमीज एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए चला जाता है, और उसके बाद वो चला जाता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग पर, और मिडिल लेवल और लोअर लेवल ये दोनों क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप। इम्प्लीमेंटेशन जो आपने प्लान बनाया था उसको एक्शन में लेके आना है, सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करनी है। हाँ जी, ऐसे ही व्हाट इज फॉलो अप, जो एक्शन था वो शेड्यूल्ड बेसिस पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो फॉलो अप के बारे में एक और चीज कही जाती है, क्या कंट्रोलिंग डिवाइस है ये, क्या ये कंट्रोलिंग डिवाइस,
यानी कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है फॉलो अप करना. अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग मुश्किल हो जाएगी. हाँ भाई देखो, मेरी ना एक बहुत अच्छी, वैसे तो मेरी तरफ से बहुत अच्छी आता है, लेकिन बच्चों को नहीं, बच्चों की तरफ से ही बहुत बढ़िया है. वो क्या कि जितना ज्यादा हो सके क्लास के अंदर ही बैठ के हमें रिवाइज करना है. मैं वापस आ रहा हूँ, प्लानिंग प्रोसेस ध्यान देना. 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और जितना मैंने बोला है इतना लिख के पूरे नंबर आते हैं, पूरे नंबर आते हैं. हाँ जी, 2, 5 और 1/2 रेशो क्या हो गया, 5:2, 5 पॉइंट, दूसरी तरफ 2 पॉइंट. मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा सब लोग कॉन्ट्रीब्यूट करो. हाँ जी, सबसे पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कितने पॉइंट इसके अंदर, 4 पॉइंट, कितने पॉइंट, 4 पॉइंट. पहला न्यूमेरिक होना चाहिए, दूसरा स्पेसिफिक होना चाहिए, तीसरा स्टैटिक होना चाहिए, और ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, राइटिंग होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए. मांडवी तुम बोल रही हो लेकिन तुम्हारी वॉइस मेरे पास तक पहुंच नहीं पा रही है, चलो कोई नहीं. हाँ जी, सेकंड वन, पॉइंट नंबर 2, डेवलपिंग प्रीमिसेस. ये क्या होता है, एक बेस मटेरियल होता है, मटेरियल. इसके अंदर बेस मटेरियल के अंदर हमने क्या बोला था, ये 3 चीज हो सकती है. क्या मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट प्लानिंग बोल लूं मैं इसको, पॉइंट नंबर 2, मार्केट सर्वे. ये एक सर्वे, मार्केट का सर्वे हो सकता है या कॉम्पिटिटर का सर्वे, दोनों कॉम्पिटिटर का सर्वे, क्योंकि क्या है सर्वे, ठीक है. ये वो सर्वे जिसके बेस पे मेरा एजम्पशन बनता है कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ. थर्ड वन, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव. इसमें एक ही बात बोलनी है तुम्हें, जितने ज्यादा ऑल्टरनेटिव हो उतना अच्छा, जितने ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स हो उतना अच्छा, बस इतना ही बोलना है इसके अंदर हमें. फिर नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएशन ऑल्टरनेटिव. इसके अंदर क्या बोलना है तुम्हें, सिर्फ प्रो एंड कॉज की बात करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करनी है. और इससे होता क्या है, एक तरह का ये क्या है, कंपैरिजन है. क्या है, एक तरह का ये कंपैरिजन है. लास्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेकिंग पॉइंट. और इसके बाद वो बदतमीज कहां जाने वाला है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग. यहां पर वो कंटीन्यूअसली क्या करेगा, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को कंटीन्यूअसली ढूंढेगा. और मिडिल लेवल और लोअर लेवल क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप. मतलब प्लान बनाने का काम किसका था, प्लान बनाने का काम टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल का था, और उसको इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप करने का. तो इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे, इम्प्लीमेंटेशन करना एंड फॉलो अप करना. इम्प्लीमेंटेशन में तो मेन बात क्या बतानी है, एक्शन लेके आना है, और फॉलो अप में क्या बताना है, एक्शन कंट्रोलिंग, शेड्यूल करना है, एज पर शेड्यूल करना है. इससे क्या होती है, इससे होती है कंट्रोलिंग होती है. क्या होती है इससे, कंट्रोलिंग. तो बताइए साहब, देखो 4 नंबर तुम्हारे होते हैं पक्के. अच्छा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पहली क्लास हम खत्म करेंगे तब तक तो मालूम चलेगा कि इन पॉइंट्स को जब अंदर लिखने बैठेंगे ना तो उसको किस तरह से लिखना है, क्योंकि अभी तो हमारा बहुत ही पहला लेक्चर है. इस पहले लेक्चर में हम बस इतना तो बोल सकते हैं, ये तुम्हारे पॉइंट के अंदर ये पॉइंट तुम्हारे होने चाहिए. क्लियर है? तो मैं एक बार फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से सिर्फ और सिर्फ तुमसे पूछूंगा, प्लानिंग प्रोसेस कितनी होती है, बोले हैं तुम्हें ना, सेवन. बहुत बढ़िया, मांडवी आवाज आई, तुम्हारी आवाज आई, इस बार आई तुम्हारी आवाज, मांडवी की आवाज आ रही, बताइए मांडवी. हाँ, तो मैंने बोला कितनी होती है ये, 7. सबसे सब इकट्ठे बोला प्लीज. पहली क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव. थर्ड, सेकंड वन, डेवलपिंग प्रीमिसेस. थर्ड वन, Identifying alternatives. Fourth one, Evaluation. Evaluate करना. Evaluation. Fifth one, Selecting best alternatives. पांचों काम करने के बाद टॉप लेवल कहाँ चले आता है? आवारा गर्दी बोलो तो environmental scanning पर. Scan. और फिर lower और middle level क्या करते हैं? Implementation, follow up. कितने नंबर का आता है ये क्वेश्चन? 4. पक्का आता ही आता है. क्लियर है? तो ये हम जो हमारी डे 1 की क्लास हुई थी किस चीज की, बिजनेस स्टडी की, उसके अंदर का टॉपिक हमने किया. आज शाम को जो हमारी बिजनेस स्टडी की फर्दर कंटिन्यू होगी तो उसमें हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट करने वाले हैं, और कब, वही 8 बजे. हाँ, अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, क्या, इकोनॉमिक्स का टॉपिक. हाँ भाई, तुम्हें इकोनॉमिक्स के टॉपिक में कल कुछ बताया गया था, और वो जो बताया गया था वो क्वेश्चन भी आते आता है. और मेरी बड़ी अच्छी आदत क्या है कि ना, मैं पढ़ाता एक चैप्टर, लेकिन कई चैप्टर एक साथ कवर कर रहा हूँ.
इसका मतलब क्या है, मेरा टारगेट ये होता है कि एक साथ कई चैप्टर को लिंक करते चलो, जिससे कि जब उस चैप्टर में पहुंचोगे तो और आसान हो जाएगा। कैन यू बिलीव, मैंने तुम्हें ना कल एक चैप्टर नहीं पढ़ाया है, कल मैंने तुम्हें दो चैप्टर पढ़ाए हैं, और ये दो चैप्टर भी हैवी चैप्टर्स हैं। फिलहाल अभी नहीं बताऊंगा वो कौन से चैप्टर्स हैं, जब आएंगे तब मालूम चलेगा तुम्हें। फिलहाल हम समझते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर वन का जो टॉपिक मैंने कराया था वो क्या था, फीचर्स, फीचर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ भाई, मैंने तुम्हें याद हो तो मैंने तुमसे कहा था कि जब भी हम बात करेंगे फीचर्स की, तो जब भी हम बात करेंगे फीचर्स की तो हर चैप्टर में ना इसको तीन तरह से रखा जाएगा, हर चैप्टर में तीन तरह से रखा जाएगा इसको। सबसे पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्रीज, और तीसरा फॉरेन ट्रेड। तीसरा क्या? फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। हाँ जी, तो जिसमें से कि सबसे पहले जो हमने कल कवर किया था वो क्या था, एग्रीकल्चर। तो हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे आ रहे हैं एक बार वापस से। अच्छा, एक चीज तो ये आजादी के टाइम पर 1947 पर इन तीनों की कंडीशन क्या थी, तो एग्रीकल्चर क्या था, बैकवर्डनेस थी, इंडस्ट्रियल भी क्या थी, बैकवर्डनेस थी, और फॉरेन ट्रेड का बहुत बुरा हाल था। आएंगे तब पढ़ेंगे। हाँ जी, तो एग्रीकल्चर पे आते हैं। एग्रीकल्चर क्या कहता है, एग्रीकल्चर के अंदर हमने पढ़ा, सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, इसको दो पार्ट में रखा जाता है, एक तरफ एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस और एक तरफ एग्रीकल्चर का क्या, स्टैग्नेशन। हाँ भाई, तो हम बेफिर बोल रहा हूँ, याद करने का बेस्ट तरीका, याद करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका कि क्या पॉइंट नंबर से पता होने चाहिए, कितने तीन, कितने चार। हाँ भाई, तीन पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया था, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, हमारा था प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, दोनों को क्या करता है, दोनों क्या थी, कम, दोनों क्या थी, कम। अच्छा, क्या था प्रोडक्शन, आउटपुट, क्या था प्रोडक्टिविटी, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। अच्छा, इसमें तुम्हें एग्जांपल में देना क्या है, वीट एंड राइस का एग्जांपल देना है और बताना है कि इसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों क्या थी, बहुत कम। मांडवी, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है, मांडवी की आवाज आई। हाँ जी, तो हमने पहला, ये हम पहला पॉइंट कवर कर रहे थे, क्या था, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब हम आते हैं, हमने कहा था लिंक कैसे किया था कि इसके पीछे दो रीजन थे। हाँ भाई, क्या, अनसर्टेनिटी, दूसरा क्या था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेल्फ बोलो या सब्सिस्टेंस बोल दो ये बढ़िया रहेगा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। हाँ जी, तो इन दोनों में फिर से ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, मेन पॉइंट क्या है, तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, रेनफॉल। हाँ भाई, क्या है, रेनफॉल, कि हम लोग किस पे डिपेंडेंट थे, हम लोग रेनफॉल पे थे, और आर्टिफिशियल हमारे पास ना आर्टिफिशियल ऑप्शंस नहीं थे, यानी अंग्रेजों ने हमारे ऑप्शंस क्रिएट नहीं किए थे कि वो हमारे ट्यूबवेल देते या फिर कुछ इस तरह का आर्टिफिशियल क्रिएट करके देते जिससे कि हमारी इरिगेशन की फैसिलिटी यानी रेन वाटर की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं, भैया किसके घर से ये प्लेन उड़ गया, मेरे घर से। भाई क्या बात है भाई, तुम्हारे घर के ऊपर तुम्हें हेलीपैड बना करके आए क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो अनसर्टेनिटी के बाद तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, सब्सटेंस फार्मिंग, जो क्या बोलता है, जो कहता है कि हम फूड, सॉरी फूड नहीं, सेल्फ, हम क्या करते थे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते थे, ना कि मार्केट के लिए, मार्केट कंजम्पशन के लिए भी ना प्रोड्यूस करते थे और फ्यूचर के लिए भी प्रोड्यूस नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये सारे सारे पॉइंट चीख चीख कर बोल रहे हैं। हाँ भाई, तीनों के तीनों पॉइंट चीख चीख कर बोल रहे हैं, जीडीपी कैसी थी, बैकवर्ड। तो हम क्या पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर का बैकवर्डनेस, क्या बोल रहा था एग्रीकल्चर का बैकवर्डनेस, पहला पॉइंट। हाँ भाई, पहला पॉइंट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों क्या थी, लो। पॉइंट नंबर टू, ये क्यों था, रीजन, रीजन हो गया, रीजन, रीजन क्या था, दो रीजन थे, अनसर्टेनिटी थी और सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है, दूसरा चलते हैं क्या, हाँ भाई, दूसरा पॉइंट क्या हमारा, एग्रीकल्चर का स्टैग्नेशन, एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, चार पॉइंट है इसके अंदर। प्रथम क्या तुम हो, प्रथम क्या तुम हो, हेल्प, हाँ जी सर,
अच्छा हो तुम दिखाई नहीं, तुम शक्ल तो दिखा दो अपनी, शक्ल नहीं दिखा रहे हो, मजा ही नहीं आ रहा बिना शक्ल के तुम्हारे यार, बिना शक्ल के फीलिंग नहीं आती वो वाली कि हाँ भाई आमने सामने चल रहे हैं। शर्मा रहा है ये लड़का होकर, क्या इसकी बहन, क्या बहन से बोलो इसकी ये। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ भाई, तो हमने क्या बोला, स्टैग्नेशन, एग्रीकल्चर के स्टैग्नेशन की बात हो रही है यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला था इसके अंदर, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसका एक और नाम है क्या बोलते हैं इसको, जमींदारी सिस्टम। अच्छा क्या होता है ये जमींदारी सिस्टम, अभी किसे कहते हैं जमींदारी सिस्टम, किसे कहते हैं जमींदारी सिस्टम। ये तीन हमने क्या बोले, तीन पॉइंट रखे, पहला कौन गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, दूसरा कौन अभी, सेकेंड पॉइंट जमींदार, जमींदार क्या बोलते हैं, ये क्या था, ये ओनर ऑफ द लैंड, ओनर ऑफ द लैंड, रिच फार्मर्स होते थे, और तीसरी तरफ कौन, टिलर, टिलर है ना, या कल्टीवेटर्स बोल सकते हैं, ये कौन थे, ये पुअर फार्मर, पुअर फार्मर थे, टिलर ऑफ लैंड बोलते हैं इसको, ये थे रिच फार्मर, ये थे क्या, पुअर फार्मर। हाँ भाई, अब ये बताने के बाद मुझे क्या बताना है, गवर्नमेंट ने जमींदारों से बोला क्या दो हमें, फिक्स रेंट दो। अच्छा जमींदारों ने, और साथ में जमींदारों को फ्रीडम दी किस चीज की, एक्सट्रैक्ट करें रेंट, व्हाटएवर दे वांट, जितना चाहे उतना वो रेंट चार्ज कर सकते हैं टैक्स के नाम पर, किससे, टिलर से, यानी कि कल्टीवेटर से। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इनके पास लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं बचा, इनके पास कुछ नहीं बचा, किस चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट करना काम किसका था, हमने बोला पहला गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में कर रही थी। दूसरा जमींदार नहीं कर रहा था, क्यों, अय्याशी कर रहा था, मतलब उस पैसे को एंजॉय कर रहा था। तीसरा टिलर, ये टिलर कल्टीवेटर था, वो नहीं कर रहा था, क्यों, उसके पास बच नहीं रहा था, उसके पास कुछ बच नहीं रहा था। हाँ जी, पहला पॉइंट था हमारा ये क्या, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। पॉइंट नंबर टू, इन सभी की वजह से क्या हुआ, गल्फ हुआ, गल्फ बिटवीन जमींदार एंड टेलर ऑफ द सॉइल, इनके बीच में झगड़े हो रहे थे। पॉइंट नंबर थ्री, हाँ भाई, पॉइंट नंबर थ्री, झगड़े हो रहे थे साथ साथ उन्होंने क्या किया, फोर्स कमर्शियलाइजेशन। अच्छा यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन में तुम्हें मैंने बताया था, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट कवर हो रहे थे, हम यहाँ पर फूड क्रॉप से कहाँ पर कन्वर्ट किया उन्होंने, कैश क्रॉप। अच्छा फूड क्रॉप का एग्जांपल क्या था हमारे पास, वीट एंड राइस, जबकि इसका क्या था, इंडिगो जिसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, वो इंडिगो किस काम आ रहा था, हाँ भाई इंडिगो किस काम आता था, ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता था ये। मैं फिर तुम्हें बोल रहा हूँ, जितने पॉइंट में बोल रहा हूँ सिर्फ यही याद करना है, पूरे 100% मार्क्स आएंगे नितेश यार, गारंटी तो मैं ऐसे दे देता हूँ यार, मतलब मेरे ऊपर ना क्लेम होना चाहिए कि सर ऐसे कैसे गारंटी, अपना टाइम आएगा लौंडे, अपना टाइम आएगा। हाँ जी, पॉइंट नंबर फोर्थ हाँ भाई, लास्ट पॉइंट जो क्या बोल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड, यानी बटी हुई थी, कुछ टुकड़े यहाँ थे, कुछ यहाँ थे, कुछ यहाँ थे। मैंने अभी यहाँ पर बोला था ना, इन्वेस्टमेंट करना था, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर, इंफ्रा पे, लेकिन कैसे करते, तीन जगह इन्वेस्टमेंट कैसे करते, तीन जगहों पर इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल था, तीन जगहों पर इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल था, जिसकी वजह से क्या बोल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट क्या थी, बहुत बढ़ गई थी। हाँ जी, तो इसके साथ आ जाओ जरा, फाइनली हमने क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा तो इसको हमने पहले तो तीन पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए थे, पहला क्या एग्रीकल्चर जो था बैकवर्ड, दूसरा क्या था इंडस्ट्रियल, ये भी क्या था बैकवर्डनेस चीज के अंदर भी, और तीसरा क्या फॉरेन ट्रेड। हाँ जी, फिर हमने एग्रीकल्चर पे आए थे हम लोग, एग्रीकल्चर को हमने कितने पार्ट में बांटा था, टू पार्ट्स, पहला क्या था हमारा
पहला क्या था हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अबे चुप मत, क्या कह रहे हो, वो नहीं कह रहा हूँ। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी, एग्रीकल्चर को दो पार्ट से बांटा गया था, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी और एग्रीकल्चर कैसा था, स्टैग्नेंट था, स्टैग्नेशन, हाँ स्टैग्नेशन वही स्टैग्नेंट, बदतमीज। हाँ जी, तो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस के अंदर हमने कितने पॉइंट रखने हैं, 3 पॉइंट, और यहाँ कितने रखने हैं, 4 पॉइंट। पहला पॉइंट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी क्या थी, कम। दूसरा पॉइंट क्यों, बिकॉज ऑफ टू रीजंस, अनसर्टेनिटी। पहला रीजन क्या था, अनसर्टेनिटी क्या थी, बहुत ज्यादा। और थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, यानी क्या हम लोग अपने लिए प्रोडक्शन करते थे। और दूसरी तरफ हमारे पास 4 पॉइंट है, पहला क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें हम क्या बताएंगे, गवर्नमेंट के बारे में, लैंडलॉर्ड के बारे में और टिलर्स के बारे में, टिलर्स के बारे में। और कुछ बचता नहीं था, तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। पॉइंट नंबर टू, इसकी वजह से क्या होता था, गल्फ हुआ था किसके बीच में, बिटवीन टिलर एंड द जमींदार। पॉइंट नंबर थ्री, उन्होंने हमें फोर्स कॉमर्शलाइजेशन किया, यानी फूड क्रॉप से हमें कहां शिफ्ट किया, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप किसे कहते हैं, इंडिगो। क्रॉप किसे कहते हैं, वीट राइस। एंड लास्ट पॉइंट, हाँ जी लास्ट पॉइंट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंट, जो क्या बताता है, टुकड़े अलग अलग थे, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना आसान बात नहीं थी। अभी तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि पिछली दो क्लासेस में जो भी कुछ हुआ तुम्हें याद हो गया होएगा। यस सर। मांडवी, यस सर, क्या तुमने पिछली दोनों क्लास ली है? यस सर। बहुत बढ़िया। तनिष्क, तुमने दोनों क्लास ली थी, एक क्लास ली थी? एक, दिस इज फर्स्ट टाइम मेरी। अच्छा, इससे पहले दो जो क्लास, नहीं नहीं ये लाइव क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो दो क्लास हुई थी इससे पहले हमारी। हाँ जी सर, वो उसमें नहीं था। दोनों नहीं सर, में नहीं सर, नहीं सर, कल वाली पे भी नहीं थे, कल जो रात को हुई है। नो सर। चलो कोई बात नहीं, फिर आज से, आज भी फिर तुम्हें ही कम समझ में आया होगा यार, है ना। चलो कोई बात नहीं, आज रात से हम बिजनेस स्टडी भी वापस लौटेंगे, ठीक है ना, तो उस पे बैठना। और प्रथम तुमने ली थी दोनों क्लास, नहीं ली देख ली सर, देख ली। तुम शक्ल नहीं दिखा रहे यार नितेश, यार इसकी वजह से बोला यार, ये शर्मा रहा है यार, यार ये लड़कों वाली हरकत नहीं कर रहा, ये बदतमीज। अरे मैं बोल दूं सृष्टि है नहीं सर, वो है नहीं। चलो ठीक है बेटा, फिर हम लोग शाम को मिलते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हो सके तो जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको बोलो, क्योंकि अब तो इस समय तो ऐसे भी कहीं क्लास चली नहीं रही है ना, तो लाइव क्लास अगर बच्चे हमारे साथ अगर ज्वाइन करें तो कम से कम वो इस समय का फायदा उठा सके। और मैं सोच रहा हूँ दिन में ना, ये क्लास दिन में हम डेली करें, आधे घंटे की एटलीस्ट, नहीं कम से कम इससे रेगुलरिटी बनी रहेगी, वरना दिन भर घर में बैठ के बोर हो जाते हैं। अभी तनिष्क क्या कहते हो, करें रेगुलर, करें इस क्लास को आधे घंटे की एक बार? यस सर। अभी आयुषी, यस सर। प्रथम बाबू, हां जी सर, ठीक है। हां भाई ठीक है, तो हम क्लास कैंसिल कर, खत्म करते हैं, एंड करते हैं क्लास का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे क्लास में, तो प्लीज अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बोलना कि आए साथ में लाइव क्लास अटेंड करें और एंजॉय करें। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है।